तो इस क्वेश्चन में दिया है कि अ मीटर स्केल मेड ऑफ स्टील रीड्स एक्यूरेटली एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री पे एक्यूरेटली रीड करता है। इन अ सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस एक्यूरेट अप टू 0.5055 मिलीमीटर इन 1 मीटर आर रिक्वायर्ड। फाइंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच, ये कोफिशियंट दिया, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि मतलब कि इनिशियल लेंथ 1 है, इनिशियल लेंथ 1 मीटर है और डेल्टा एल है वो है 0.055। बेसिकली इसका सिंपल मतलब यही है। तो इसको सॉल्व करना, हमें डेल्टा टी निकालना है। तब सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगेगा कि डेल्टा टी जो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी यहाँ से निकालते हैं, डेल्टा एल हो गया अपना 0.055 मिलीमीटर है, 0.055 बाय मिलीमीटर चेंज करते हैं मीटर में 1000। और ये 0.0 का भी इधर ले आए तो बेसिकली ये हो गया 55/1000। ये इक्वल टू लेंथ है अपना इनिशियली, कितना लेंथ है 1 मीटर है, यहाँ मैंने मिलीमीटर लिख दिया, 1 मीटर या 1 × α कितना दिया है 11 × 10⁻⁶ इंटू डेल्टा टी आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो गया अपना 55/11 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶। तो ये सिंपली इजली सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया 5। तो सिंपली क्वेश्चन था लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, रेंज पूछा है। एक मिनट, तो रेंज निकालना हो तो ये तो डेल्टा आ गया डेल्टा टी, तो ये तो 0.055 मिलीमीटर का चेंज तो तब भी हो सकता है अगर 20 से अगर 5 से घट जाए या 5 से बढ़ जाए। तो एक हो सकता है 20 - 5 कर दे, मतलब जब 20 से 15 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तब भी उतना ही का चेंज आएगा। एक हो सकता है बढ़ जाए 5 से तब भी उतना का चेंज आएगा। तो रेंज अपना आ गया 15 to 20, ये है फाइनल आंसर, 15 to 25 यही अपना आंसर।